अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। गणेश, राखी, आरती, गर्विता, मोहित, शुभम, अमन, श्रुति, प्रियंका, अभिराम, अ वॉर्म वेलकम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस साल का आखिरी दिन और आखिरी दिन का करंट अफेयर्स मिस नहीं होना चाहिए। सिद्धांत, एकता, बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं। आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। बीच बीच में कुछ म्यूजिक चलता रहेगा तो उसको थोड़ा सा नॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि आसपास में बहुत पार्टी वार्टी चल रही है। सो पढ़ाई पर फोकस करो। चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग प्रियंका। टीम निष्ठा ऐप पर आपका 10:15 बजे टेस्ट है, ठीक है जी। 10:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपका टेस्ट है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री के बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी के बैचेस चल रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग के बैच चल रहे हैं, SSB और GD डिस्कशन के बैचेस चल रहे हैं। तो बहुत सारा जो है आपको कह लीजिए माल मसाला मिल रहा है। टीम निष्ठा ऐप पर जाइए और देखिए, और इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। राखी, हम इंजॉय कर लेंगे साथ में। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट डे ऑफ द ईयर, वेरी गुड। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर लीजिए, बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। और आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाऊंगा, पहले स्ट्रेंथ पूरी हो जाने दीजिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके जतिन, शानू, वंशिका, वेरी वेरी गुड इवनिंग, अ वॉर्म वेलकम। सो PDF मैं शेयर कर लूंगा GS/Sandeep Bansal टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल पर ये शेयर कर लूंगा। फेसबुक, इंस्टा पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जीमेल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपूर्वा, राजा, वेल्कम टू द सेशन। जल्दी जल्दी आओ सारे। ओके स्टोरी सुननी है, ठीक है। ओके नहीं नहीं जी, मेरे घर पे कोई पार्टी नहीं हो रही है, ठीक है। सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस आपको भी। मेरा लास्ट सेशन नहीं है यार, ऐसे मत को, इस साल का लास्ट सेशन है, यस ये कहो, ठीक है। अब अगले साल मिलेंगे, यस अब अगले साल मिलेंगे। और शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की इंटरनेशनल न्यूज की। आई होप माय वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चे बहुत कम हैं, बाकी सब पार्टी कर रहे हैं। कौन सा गाना? सैटरडे सैटरडे, ठीक है। क्लियर है, चलो सब क्लियर है, ठीक है। सो एम्परर पेंगुइन्स सर, कोई न्यू रेजोल्यूशन की बात किया जाएगा, सब कुछ होगा, रेजोल्यूशन भी डिस्कस किया जाएगा। अब पहले पढ़ाई कर लेते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग सौम्या। सो एम्परर पेंगुइन्स एंड रेनडियर अमंग द थ्रेटन्ड स्पीशीज, ऐसा कहा है WWF ने। सो 2000 में लगभग 10 लाख रेनडियर थे ताइमर रीजन में, रशिया के आर्कटिक रीजन में। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ रेनडियर एट द टाइम हैज नाउ श्रंक टू बियरली 4th, तो लगभग 2.5 लाख तक ये बचे हैं। और ये जानकारी दी WWF ने। कमेंट सेक्शन बॉक्स में फुल फॉर्म लिख दो WWF की जल्दी से। और ये भी कहा गया कि जो प्लाइट ऑफ एम्परर पेंगुइन्स, दैट एट द करंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन लेवल्स बिटवीन 80-100% ऑफ ऑल एम्परर पेंगुइन कॉलोनीज आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन बाय 2100, मतलब इस लगभग 80 साल बाद कंप्लीटली खत्म होने तक के चांसेस हैं यहां पर। नहीं जी, वर्ल्ड वाइड WWF क्या है फिर? वर्ल्ड वाइड फेडरेशन, नहीं जी, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यस। किसने आंसर दिया सबसे पहले? गर्विता ने, वेरी गुड। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसका। सो एम्परर पेंगुइन इज द टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन स्पीशीज, और ये एंडेमिक है अंटार्कटिका को लेकर। मेल और फीमेल जो है सिमिलर हैं प्लमेज एंड साइज में, मतलब ये थोड़ा कुछ इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहाँ पर मिलते हैं? अंटार्कटिका में। और रेनडियर मिलता है आपको आर्कटिक वाले रीजन में। सो आर्कटिक टुंड्रा, बोरियल फॉरेस्ट, माउंटेनियस रीजन में आपको ये देखने को मिलता है। सो ये अकर इन बोथ माइग्रेटरी एंड सेडेंटरी पॉपुलेशंस एंड देयर हर्ड साइज वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट रीजंस।
ठीक है, तो इनका जो नंबर भी वो 1/4 ही रह चुका है अभी। और इसमें यहां पर एक प्रॉब्लम जो मतलब कह लीजिए, जो कह लीजिए इनकी पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है, सो पॉइजनस एल्गी स्पीशीज कॉल्ड प्रिमिनीजियम पार्वम रिप्रोड्यूस ड्यू टू सॉल्ट डिसऑर्जेस, लो वाटर लेवल्स एंड हाई टेम्परेचर विच किल्ड थाउजेंड्स ऑफ यंग फिश, दिस वॉज सेटबैक फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फिश स्पीशीज नोन एज बाल्टिक स्टर्जन। तो यहां पर यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि यहां पर पॉइजनस एल्गी स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, एवरेज जो धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से ये पॉइजनस एल्गी स्पीशीज भी, इनकी भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है जी। सो प्रिमिनीजियम पार्वम इज अ स्पीशीज ऑफ हेप्टोफाइट्स, सो स्पीशीज इज ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस फाइकोटॉक्सिन प्रिमिनीजियम। तो ये एक एल्गी है, इट्स अ टाइप ऑफ एल्गी जो कि पहली बार आइडेंटिफाई हुई थी नॉर्थ अमेरिका में 1985 में, एंड द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड मेनली किल्स फिश अपीयर्स टू हैव लिटिल इफेक्ट ऑन कैटल एंड ह्यूमंस। तो फिश को ज्यादातर ये नुकसान पहुंचाता है, दिस डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द रेड टाइड विच इज एन एल्गल ब्लूम। ये एल्गल ब्लूम पर आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी के एग्जाम में, ये आपका एल्गल ब्लूम पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। सो हुज टॉक्सिन लेड टू द हार्मफुल इफेक्ट्स इन द पीपल। ठीक है जी। तो ये कुल मिला के हमने इसमें रेनडियर और आपका पेंगुइन्स के बारे में और ये जो एल्गी का एक कह लीजिए टाइप है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आगे चलते हैं। न्यूयॉर्क ओपन्स इट्स फर्स्ट लीगल रिक्रिएशनल मेरिजुआना डिस्पेंसरी। ऐसा अलग लेवल पे खेल रहे हैं लोग। सो फर्स्ट लीगल डिस्पेंसरी फॉर रिक्रिएशनल मेरिजुआना इन न्यूयॉर्क रंग अप इट्स फर्स्ट सेल्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट लिक्रेटिव मार्केट्स फॉर कैनबिस। ठीक है जी। सो जिसको आम भाषा में आपने कई बार वीड सुना होगा, ठीक है, वीड कहते हैं। एंड न्यूयॉर्क जो स्टेट है वहां पर, देखिए न्यूयॉर्क एक सिटी है, एक न्यूयॉर्क स्टेट है, तो न्यूयॉर्क स्टेट ने जो है इसको लीगलाइज कर दिया है रिक्रिएशनल मैरिजुआना को मार्च 2021 में। ठीक है, मार्च 2021 में इन्होंने कहा है कि ये लीगलाइज है। ठीक है जी। मैरिजुआना का मतलब क्या है? वीड। ठीक है, हाँ जी, महंगे नशे। यस, ओके। कोई हिंदी अनुवाद कर दो इसका जल्दी से, क्या होता है वीड, क्या होता है? सो ऑल्सो कॉल्ड एज वीड, हर्ब इज ग्रीनिश ग्रे मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्लावर्स ऑफ कैनबिस सेटिवा। सो इट कैन बी यूज टू ब्रू टी, मेडिसिनल पर्पजेस के लिए भी यूज होता है अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, गांजा। अच्छा, सबको पता है गांजा, चलिए गांजा। ठीक है। सो इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज होता है, बट डेफिनेटली जब आप इसको बियॉन्ड एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में जो है कंज्यूम करते हैं, सो इट एक्ट एज अ ड्रग। ठीक है, या नारकोटिक्स की तरह ये काम करता है। सो कंसेंट्रेटेड रेजिन्स कंटेनिंग हाई डोजेस ऑफ मेरिजुआना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन सो इंक्लूडिंग हनी लाइक हैश ऑयल वैक्सी बटर, ये कई सारे इसके यूज है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भांग में भी यूज किया जाता है, बिल्कुल। सो मेन साइको एक्टिव माइंड ऑल्टरिंग केमिकल इज इन मैरिजुआना रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट इज। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा केमिकल है। सो इट इज Delta-9-tetrahydrocannabinol। ठीक है, THC बोलते हैं। यस, ये THC बहुत फेमस एक वर्ड है आपका। सो बेसिकली जो स्टिमुलेट करता है माइंड को, सो दैट इज THC। द केमिकल फाउंड इन रेजिन प्रोड्यूस बाय द लीव्स एंड बर्ड्स प्राइमरली ऑफ द फीमेल कैनाबिस प्लांट। ठीक है जी। तो ये आपको उसमें देखने को मिलता है, जॉइंट बोलते हैं। चलिए ठीक है। तो ये लीगलाइज किया गया है न्यूयॉर्क स्टेट में और यूएसए में। ठीक है जी। चाइना अपॉइंट्स यूएसए किंग गैंग एस न्यू फॉरेन मिनिस्टर, इट इज अ पावरफुल सरप्राइज विच इंक्रीज योर इनर। ओके, चलो थोड़ा कंट्रोल करो, आगे बढ़ते हैं। चाइना हैज अपॉइंटेड इट्स यूएस एंड जो यूएस में चाइना के एम्बेसडर हैं उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है चाइनीज सरकार के द्वारा। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा मॉडरेट माने जाते हैं देन द अदर फॉरेन डिप्लोमेट्स, और ही हैज ऑलरेडी बीन इंडक्टेड इनटू इन्फ्लुएंशियल सेंट्रल कमेटी ऑफ सीपीसी टुगेदर विद द मिस्टर वैंग। ही इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग चाइनाज डिप्लोमेसी इन द कमिंग 5 ईयर्स। तो लगभग 5 साल तक ये विदेश मंत्री रहेंगे चाइना के, और ये अभी यूएस में चाइना के एम्बेसडर है। ठीक है जी।
नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एक्स मिनिस्टर अलोक शर्मा, नाइटेड इन किंग्स न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट। अलोक शर्मा जो कि इंडियन ओरिजिन, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर हमने COP26 जो हमने ग्लासगो ग्लासगो यूके में देखा था, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में देखा था, जो इवेंट हुआ था COP26 का, UNFCCC का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में जो हमने पढ़ा था, तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। सो इंडियन ओरिजिन फॉर्मर मिनिस्टर ओवरसॉ यूकेस COP26 क्लाइमेट समिट प्रेसिडेंसी नाइटेड फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो उनको नाइटहुड से नवाजा जाएगा और ये आगरा के रहने वाले हैं, आगरा बॉर्न शर्मा, वॉज कैबिनेट लेवल मिनिस्टर अंटिल अक्टूबर, ओवरसीज लिस्ट, और 30 इंडियन ओरिजिन कैंपेनर्स में इनका नाम रखा गया है। सो ये है आपके अलोक शर्मा जी, रिसीव अ नाइटहुड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू हिज लीडरशिप एट COP26 एंड ड्राइविंग द यूके टू एग्री अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल कंट्रीज दैट विल हैव मेजर इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है COP26 में, क्योंकि COP26 में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक समन्वय बनाने के लिए इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। मेरी आवाज कम आ रही है? हाँ जी, ये इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माई वॉइस? ठीक है, हाँ वैसे ये बात आपने सही गई, एक्चुअली ही लुक्स लाइक हिम। मनीष जाहिद, चलो तो आगे बढ़ने से पहले, तो जो बच्चों को न्यू ईयर मनाना है तो उनको बता देता हूँ, मैंने शायद पहले भी बताया था, ठीक है, एक एक सेशन में मैंने एक बार डिस्कस किया था कि व्हेन आई जॉइंड द यूनिट, ठीक है, दिवाली थी, मैंने कहा कि सर दिवाली है, तो कहते फिर, मैंने कहा सर शादी के बाद पहले दिवाली है, तो कहते फिर, कहते अगले साल बच्चा होगा उसकी पहली दिवाली होगी, ये तो चलता रहेगा। तो इन ड्यूरिंग 6 years ऑफ माई टेन्योर आई Only had one chance to celebrate Diwali at home, और 6 होली में से 6 की 6 होली मेरी बॉर्डर पर रही है, या कह लीजिए फैमिली के साथ नहीं रही है, और न्यू ईयर तो भूल ही जाओ। ठीक है, सो ये फौजी के लिए ये सारी चीज़ें प्लीज इग्नोर दैट। ठीक है, अभी ये पीछे गाना चल रहा है, अभी जस्ट ये सेशन में बीच में गाना चल रहा था जिसके बोल हैं कोट अनकोट मेरा बालम थानेदार, साथ वाली बिल्डिंग में चल रहा है, तो अब डिसाइड कर लो गाना गाना है या बनना है। ठीक है, बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो चलो ठीक है आगे चलते हैं। प्रधान अच्छा ओके ग्रेट, सो ओवर 16,554 ट्राइबल विलेजेस हैव बीन कवर्ड सो फार अंडर द प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना फॉर द, अच्छा 16,500, ठीक है जी ओके ठीक है, 16,554 ट्राइबल विलेजेस हैव बीन कवर्ड सो फार अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि लगभग 1900 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं स्टेट्स को, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास हो सके सिलेक्टेड विलेजेस का थ्रू कन्वर्जेंस अप्रोच, और इसमें किस तरीके से चूज किया गया है जिसमें 50% ST पॉपुलेशन है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, तो बस उसमें बालम को जेंडर न्यूट्रल कर लो, वैसे भी आजकल सारे रैंक जेंडर न्यूट्रल है राखी, ठीक है, जब हम चेयरपर्सन कहने लग गए हैं ना आजकल, हम चेयरमैन नहीं बोलते हैं। ओके, सो मिनिस्ट्री हैज रिवैम्प्ड द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम, जिसमें कि मिनिस्ट्री ने जो एग्जिस्टिंग स्कीम है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस की TSS ट्राइबल सब स्कीम को, उसको मोल्ड किया है, रिवैम्प किया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के साथ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ड्यूरिंग 2021-22 to 2025-26 तक। तो लगभग 4 साल का ये पीरियड रखा गया है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ वर्किंग टू डेवलप लगभग 36,000 विलेजेस विद एटलीस्ट 50% ट्राइबल पॉपुलेशन, और 500 ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इसका बेनिफिट होगा। ठीक है जी, चलिए, सो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना
में एक और अचीवमेंट हो गई है। तो 9,000 जो है प्रधानमंत्री भारत भारतीय जन औषधि परियोजना के 9,000 कह लीजिए दुकानें या सेंटर्स खुल चुके हैं। तो इसमें मकसद क्या है? इसमें मकसद यही है कि जो आपकी जेनरिक मेडिसिन हैं, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन हैं, वो आपका लोगों को सस्ती दरों पे मिल सके। अब ये जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? सिंपल फंडा है, सॉल्ट, ठीक है जी, जैसे पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल है, मान लीजिए जो आपको सर दर्द होता है या बुखार होता है तो आप पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल सॉल्ट है। तो अब ये कई सारी कंपनीज अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती हैं। मार्केट में जाएंगे तो पैरासीटामोल जो सॉल्ट है, ये आपको इसकी प्राइस बहुत वेरिएशन मिलेगा। एक कंपनी हो सकती है बिल्कुल आपको 10 पैसे 20 पैसे में भी मिल जाए, और हो सकता है आपको 5 4 5 रुपए में भी एक टैबलेट मिले। तो मकसद ये है कि जो जेनरिक मेडिसिन हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो सके, सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल हो सके। सो द नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैज क्रॉस 9,000 इन द कंट्री। जन औषधि स्कीम वॉज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इन नवंबर 2008। तो ये इस सरकार का नहीं है, ये कह लीजिए पिछली सरकार यूपीए सरकार का ये इनिशिएटिव है, बट इसको नाम को थोड़ा चेंज किया गया। इसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इसको कर दिया गया 2016 में, ठीक है। मकसद क्या है? अफोर्डेबल प्राइसेस पर सबको मेडिसिन मिल सके। और सरकार का ये कहना है कि हमने मार्च 2024, इलेक्शन है मार्च 2024 तक, तो 10,000 हमने केंद्र बना लेने हैं, मतलब अगले सवा साल में 1,000 सेंटर्स इसके और खुल जाएंगे। और ये कहा गया है कि इन द करंट फाइनेंशियल ईयर द स्कीम हैज मेड सेल्स ओवर 758 करोड़, विच हैज लेड टू द सेविंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4,500 करोड़ रुपीज टू द सिटीजंस एज कम्पेयर टू द ब्रांडेड मेडिसिन। तो लगभग 4,500 करोड़ का फायदा हुआ है आम लोगों को, ठीक है जी, डोलो 500 डोलो 650, ठीक है जी। सो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 8,50,00,000 टेली कंसल्टेशन हुई हैं ई संजीवनी के थ्रू। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें सिर्फ एक फैक्ट ऐड करना चाहता हूं। तो ये इनोवेटिव डिजिटल मीडियम के थ्रू, तो यहां पर इन्होंने कहा कि एक लैंडमार्क है 1,50,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का, जो कि तरीके से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के रूप में हम देख सकते हैं इसमें, जिसमें आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेंगी। और हर साल, सॉरी, हर दिन 4,00,000 टेली कंसल्टेशंस होती हैं। टेली कंसल्टेशन मतलब इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू जो है पेशेंट अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर दराज बैठे डॉक्टर को दिखा सकता है। सो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री टू ऑल एज ग्रुप्स। नेक्स्ट है, UIDAI एडवाइजेज रेजिडेंट्स टू नॉट शेयर आधार ओपनली इन पब्लिक डोमेन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जितने भी भारत के रेजिडेंट्स हैं उनको ये सुझाव दिया है कि आप अपना आधार नंबर ओपनली शेयर मत करें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर। और इसके बारे में जानकारी देते हुए ये भी कहा कि ऑब्वियसली ओटीपी तो आपको शेयर नहीं करना है, इवन आधार को भी बहुत रेयरली यूज करना है टू एनी अनऑथराइज एंट्री एंड रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग एम आधार पिन विद एनीवन। सो एम आधार पिन ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है। इवन जो कार्ड होल्डर्स हैं कैन टू यूज आधार कॉन्फिडेंशियली कॉन्फिडेंशियली टू अवेल द बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, बट ऑब्जर्व द सेम लेवल ऑफ कॉशन एज दे डू इन द केस ऑफ एनी अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो कोशिश करें कि कम से कम जो है आप इसको, जो ऑथराइज्ड हैं, अब ऑथराइज्ड की भी एक पूरी लिस्ट है, अगर आप UIDAI की वेबसाइट पे जाएंगे। मैंने एक, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी 10-15 मिनट की, ठीक है, जिसमें मैंने काफी सारे इश्यूज को डिस्कस किया था आधार को लेकर, ठीक है। तो मैं उसको पिन कर दूंगा यहाँ पर, उसको भी देख लीजिएगा, उससे आपको और काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यस यस, मास्ड आधार भी है, यस, मास्ड आधार बनाओ, आधार तो कोरोना से नहीं, मास्ड आधार है, ठीक है, मास्ड आधार है, जिसमें कि आपका जो 12 डिजिट है उसके सिर्फ आखिरी 4 डिजिट ही आपको दिखेंगे, बाकी सिर्फ इस तरीके से क्रॉस लगाएगा, ठीक है जी, और बाकी आखिरी के 4 डिजिट ही दिखेंगे सर। लेकिन आधार नंबर तो हर जगह यूज आता है, तो सेफली कैसे आएगा? तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने उसको सिर्फ यूज करना है, तमन्ना जैसे बैंक्स में यूज करना है, या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन्हीं के साथ शेयर करें, ठीक है। सो दिस इज, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है, आगे चलते हैं। सो आधार इज अ रेजिडेंट डिजिटल आईडी
इट वर्क एज अ सिंगल सोर्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। रेजिडेंट इसको यूज कर सकते हैं आधार नंबर को टू वेरीफाई एंड वैलिडेट देयर आइडेंटिटी क्रेडेंशियल्स इधर इलेक्ट्रॉनिकली और ऑफलाइन वेरिफिकेशन। इसमें एक और चीज दी गई है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसमें आप टेम्परेरीली उसको लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। बायोमेट्रिक लॉकिंग का भी ऑप्शन है। ये बायोमेट्रिक लॉकिंग का क्या ऑप्शन है कि जब आपको लगता है कि आधार नहीं यूज करना है तब आपको उसको लॉक कर दीजिए। ये भी ऑप्शन जो है काफी ईजी है और ऑनलाइन ही होता है, मतलब कह लीजिए इट इज जस्ट लाइक ओटीपी के बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं और ओटीपी यूज करके ही इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। सो इफ यू फील कि हाँ जी ये मिसयूज हो सकता है तो उस समय पर आप बायोमेट्रिक को अनलॉक कर दें और फिर जब आपको चाहिए हो उसको अनलॉक कर लें। ठीक है जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग इस्मत। प्राइम मिनिस्टर डिस्कस वेज टू स्ट्रेंथन नमामि गंगे इनिशिएटिव इन नेशनल गंगा काउंसिल मीट। ये मीट आपकी कल जो हुई, ठीक है जी, वेस्ट बंगाल में, जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। सो नेशनल गंगा काउंसिल मेट यस्टरडे, वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस वेज किस तरीके से नमामि गंगे इनिशिएटिव्स में मतलब उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसमें इंप्रूवमेंट्स लाई जाए। सो ही स्पोक अबाउट द वेज टू एनहांस क्लीनिनेस एफर्ट्स टुवर्ड एक्सपेंडिंग द नेटवर्क ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अगर कहिए तो क्या है, देखिए गंगा को या किसी भी नदी को आपको अगर क्लीन करना है तो सबसे पहला इनिशिएटिव आपको ये लेना होगा कि फ्रेश जो उसमें डिस्चार्ज है या वेस्ट है या सीवेज ट्रीट सीवेज वेस्टेज है वो वहां पर ना जाए, ठीक है, क्योंकि आप एक तरफ से उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वेस्ट उसमें एंटर होते जा रहा है, डजंट मेक एनी सेंस। सो ड्यूरिंग द मीटिंग उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से हर्बल फार्मिंग को अलोंग द गंगा जो है प्रमोट किया जा सकता है और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सकता है ताकि लोगों की वहां पर आय बढ़े, ठीक है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़े। हाँ जी हाँ जी, वो भी है, ठीक है, ओके ठीक है। उसमें 5 मुख्यमंत्री थे, सो डोंट वरी राखी। इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट 8-लेन ज्वारी ब्रिज ओपन इन गोवा। ये मैं अभी दो महीने का पहले लास्ट मंथ ही गया था तो वहां पर ये ब्रिज पर काम चल रहा था। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट 8-लेन ज्वारी ब्रिज। तो ज्वारी नदी को क्रॉस किया एंड राइट हैंड साइड 4-लेन कॉरिडोर ज्वारी रिवर अप्रोचेज फ्रॉम बैम्बोलिम टू वन्ना बर्थ्रोन ओपन फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक। थ्रू द इंश्योरेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गोवा, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने 2 लाख रुपए टू द फैमिलीज ऑफ वर्कर्स हु डाइड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, उनको वो सहायता भी दी। और इसके अलावा PWD गोवा ऐप का भी इनॉग्रेशन किया गया। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमी। कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ इन नवंबर राइजेस टू 5.4%। कोर सेक्टर को लेकर आपका क्वेश्चन यूपीएससी CDS में पूछा भी गया था। 8 सेक्टर आपके 8 सेक्टर्स आते हैं, इसकी मैंने आपको ट्रिक पहले भी बताई है, CCC फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो इस 8 सेक्टर, ये 8 सेक्टर कह लीजिए कोर सेक्टर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये मूलभूत सेक्टर है। इससे आपकी ये इसको आप ये कह सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हम इसको देखते हैं, जो कि फर्दर इंडस्ट्रीज को ग्रो करते हैं, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए ग्रोथ का काम करते हैं, बेस का काम करते हैं। सो यहां पर सीसीसी फ्रेंड्स का एक ट्रिक है, ठीक है। तो 8 सेक्टर कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार। सो यहां पर सी कोल, क्रूड ऑयल और आपका सीमेंट। सो कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट, ठीक है। एफ से हो गया आपका फर्टिलाइजर, आर से आपका हो गया रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, आर से आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ई से इलेक्ट्रिसिटी, एस से स्टील हो गया एंड एन से नेचुरल गैस हो गया, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए 8 सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब न्यूज ये है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 5.4% रही और ओवरऑल इस साल जो ग्रोथ है 8 कोर इंडस्ट्रीज की फॉर ऑगस्ट 2022 हैज बीन रिवाइज्ड टू 4.2% और पिछले साल के अकॉर्डिंगली कम रही है। उसका एक रीजन भी है क्योंकि पिछले साल में 2020 का बेस ईयर था। देखिए
जब भी हम ग्रोथ रेट को देखते हैं तो पिछले साल की ग्रोथ को बेस मान के चलते हैं, मतलब पिछले साल जो नवंबर में ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन रही होगी उसके अकॉर्डिंगली कितना ग्रो किया, तो उसमें आप देख सकते हैं 5.4%। तो डेफिनेटली पिछले साल की ग्रोथ इसलिए ज्यादा थी क्योंकि 2020 में मेजरली आपका लॉकडाउन रहा, मेजर मतलब हमने देखा कि काफी समय तक लॉकडाउन रहा, इंडस्ट्रीज बंद रही, तो इसलिए 2021 में ग्रोथ देखी गई थी और 2022 में भी ग्रोथ देखी गई है। यस सौम्य ने लिखा है सीमेंट कोल क्रूड ऑयल फर्टिलाइजर रिफाइनरी, यस बिल्कुल यस। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फ्रॉम जनवरी 1। तो इसमें काफी कह लीजिए गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, किसान विकास पत्र पर, बट जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जिसे पीपीएफ भी बोला जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कांस्टेंट रखा गया है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट सरकार ने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, आपको ये समझना है, और रेपो रेट ज्यादा है और बैंक जो है बैंक्स का जो लोन का रेट है, ठीक है, जो क्रेडिट रेट है वो भी बढ़ा है, सो उसके अकॉर्डिंगली आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। सो इट इज नॉट के सरकार ने सेपरेटली इसको बढ़ाया है, सो इट इज बेसिकली इन लाइन विद द इन्फ्लेशन, इन लाइन विद द रेपो रेट, इन लाइन विद द लोन का जो रेट रहता है उसके अकॉर्डिंगली ये लिंक रहता है, ठीक है जी। तो यहां पर शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं फिर, पर शेयर प्राइसेस के गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं, बढ़ने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। चलिए पीछे से म्यूजिक चल रहा है। हाँ जी नहीं बढ़ाई गई हैं ऑलरेडी, उसमें काफी इंटरेस्टेड, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आपको रादर सुकन्या समृद्धि योजना में ही मिलता है। चलिए आगे चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में। अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया कोनेरू हम्पी को ऑन बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन टू मेडल्स एट वर्ल्ड ब्रिट्स चेस चैंपियनशिप। सो उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता, हेड स्कोर इम्प्रेसिव 12.5 आउट ऑफ 17 सिल्वर मेडल एंड ही कॉल्ड दिस येट अनदर फेदर इन द ग्रैंड मास्टर्स इलस्ट्रियस कैप। सो कोनेरू हम्पी बहुत फेमस चेस प्लेयर हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आपका वर्ल्ड ब्रिट्स चेस चैंपियनशिप में, दो मेडल जीते हैं। इस बार कौन सा गाना चल रहा है बताऊंगा बताऊंगा, अभी रुको थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, अगर माहौल होगा। मुंबई मैराथन 2023 योहान ब्लेक नेम्ड इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर, 18th एडिशन ऑफ टाटा मुंबई मैराथन टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 15 नेक्स्ट ईयर। सो जमाइकाज ब्लेक इज द सेकेंड फास्टेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम, फेमसली फिनिश बिहाइंड कंट्रीमैन उसेन बोल्ट और इन द 100 and 200 meter। फिर उन्होंने उनके साथ टाई अप भी किया 4x100 meter रिले गोल्ड में, जीता 2012 में लंदन ओलंपिक्स में और रियो ओलंपिक्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता। तो इनको निक नेम दिया गया द बीस्ट बाय बोल्ट फॉर हिज रुथलेस ट्रेनिंग रेजिम। तो इनको अगले साल का जो इवेंट होने जा रहा है मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन, उसका एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है योहान ब्लेक को, ठीक है। एक्स वाई जेड कह रहे हैं ज्यादातर चेस के प्लेयर साउथ से ही क्यों होते हैं, इसके बहुत सारे कारण आप कह सकते हैं। देखिए अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे, अब थोड़ा सा ट्रेंड नॉर्थ इंडिया में भी इंजीनियर्स का, एक समय पर ऐसा कहा जाता था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंजीनियर्स आपको साउथ में ज्यादा मिलते थे, तो दैट इज मोर ऑफ द अवेयरनेस, ठीक है, इट इज मोर ऑफ अवेयरनेस वहाँ के प्लेयर्स। अब द सेम थिंग इज विद एक्स वाई जेड, यू टेक द स्पोर्ट्स ऑफ हरियाणा ऑल्सो, तो हरियाणा भी बहुत चीजों में आगे है स्पोर्ट्स में, ठीक है। चलिए हाँ, तो गील सी या कह लीजिए जो जो फिजिकल एक्टिविटी वाले कह लीजिए जो स्पोर्ट्स हैं वो आपको नॉर्थ में ज्यादा मिलते हैं। सॉरी ठीक है, लठ मार वाले स्पोर्ट्स जो हैं खासकर। चलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टू रीनेम, ये हमने डिस्कस किया था, तो ये आपका जो
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच हुआ, तो उससे पहले ये कहा गया कि अब जो भी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड होगा वो शेन वॉन के याद में दिया जाएगा। और मैच से शुरू होने से पहले सबने शेन वॉन को कलीजे श्रद्धांजलि भी दी, क्योंकि इसी साल मार्च में उनका देहांत हुआ था ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट। अरे सर, हरियाणा के सीएम। अच्छा, देखो ये वाला जो है, ठीक है, लेट्स नॉट मेक इट पॉलिटिकल, ठीक है, चलो वापस आते हैं। ओके, हॉकी, मध्य प्रदेश क्लिंचेस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 टाइटल, सो मेंस अंडर 18 टाइटल, सो गोल्ड हॉकी मध्य प्रदेश ने जीता है। क्वालिफायर्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18, तो ये भुवनेश्वर में हुआ और इसमें मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को हराया 6-5 में टू क्लिंच खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेंस अंडर 18 क्वालिफायर्स टाइटल। और हॉकी, हरियाणा ने वुमेन 18 टीम विंस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश को हराया 2-0 से भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट है, क्रिस्टानियो रोनाल्डो ज्वाइन सऊदी अरेबियन क्लब अल नसर, सो पोर्चुगल फुटबॉल टीम कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज ज्वाइन द सऊदी अरेबियन क्लब अल नसर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 2025। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो डील है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, 200 मिलियन यूरो में साइन हुआ है एज पर द मीडिया रिपोर्ट, 200 मिलियन यूरो। चलो, सो ये लगभग लगभग मोटा मोटा समझ के चलो कि ये बनता है आपका 1600 से लेकर 1800 करोड़ के बीच में, ठीक है। सो द क्लब इट सेड इट वुड इंस्पायर देयर लीग नेशन फ्यूचर जनरेशन। उन्होंने कहा कि बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि रोनाल्डो जो हैं हमारे क्लब के लिए खेलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। 37-year-old रोनाल्डो सेड ही इज ईगर टू एक्सपीरियंस अ न्यू फुटबॉल लीग इन अ डिफरेंट कंट्री। चलिए, यस, नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फाइव जनरेशन ऑफ हाई टेम्परेचर स्टार्स रिवील्ड इन द लार्जेस्ट मिल्की वे ग्लोबुलर क्लस्टर ओमेगा सेंचुरी। देखो, थोड़ा सा पहले तो लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार को समझ लो। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम का जो पहला लेक्चर है हमारा ज्योग्राफी का, हम पढ़ते हैं, तो उसमें चलो, अब मैं जैसे स्लो हो रहा हूं ना, मेरे को गाना सुनाई दे रहा है, तो मेरा ध्यान उधर जा रहा है, फोकस करते हैं यहां पर। जाइंट गैस क्लाउड नेबुला ग्रेविटेशनल कलैप्स, तो ये दिखाया गया है, ये हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जब आपका एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपैंड करना शुरू हुआ, ठीक है, जो बिग बैंग थ्योरी में हम देखते हैं, और फिर प्रोटोस्टार से ये नेक्स्ट फेज आया, उसके बाद आपका जो है डिपेंड करता है लो एंड मीडियम स्टार्स, ठीक है, लो एंड मीडियम स्टार्स, हाई मास और मैसिव स्टार, ठीक है। तो लो और मीडियम स्टार जैसे सन है आपका, ठीक है, जैसे सन है, तो वो रेड जाइंट फेज में जाता है, फिर वो प्लेनेटरी नेब्यूला फेज में जाता है, देन वो व्हाइट ड्वार्फ स्टेज में जाएगा, मतलब एक्सपैंड करना शुरू करेगा। हमने यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम की क्लास में ये भी पढ़ा है कि किस तरीके से जब सन एक्सपैंड करना शुरू करेगा तो धरती को भी एनगल्फ कर जाएगा, ठीक है, मरकरी वीनस और अर्थ को एनगल्फ कर जाएगा, ठीक है। खैर, वो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड से 13 करोड़ ईयर्स लेटर, एंड प्लेनेटरी नेब्यूला, देन व्हाइट ड्वार्फ, देन इज योर ब्लैक ड्वार्फ। बट इन द केस ऑफ रेड जाइंट सुपर जाइंट, तो मतलब बड़ा जो स्टार होता है, मैसिव स्टार होता है, वो रेड सुपर जाइंट के बाद सुपरनोवा, और उसके बाद दो चीजें हो सकते हैं, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या वो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, गाना, ठीक है जी, ओके। सो स्ट्रेंज क्लास ऑफ हाई टेम्परेचर स्टार्स डिटेक्टेड इन द ग्लोबुलर क्लस्टर ओमेगा सेंचुरी, द लार्जेस्ट नोन ग्लोबुलर क्लस्टर इन द मिल्की वे में प्रोवाइड क्लूज इन इट्स फॉर्मेशन। तो कुल मिला के हम इसके बारे में अभी तक, देखो बिग बैंग थ्योरी भी अब जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसके बारे में जानने की बहुत इच्छा है और किस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं इस पर काम कर रहे हैं। तो ये डिटेक्ट किया गया है आपका ओमेगा सेंचुरी इन द फार अल्ट्रावायलेट मतलब रेडिएशन में। यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर जो आपको नोट करने वाला है, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप इमेजेस ऑफ एस्ट्रोसैट, जो कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, और ये 2015 से
ऑपरेट कर रहा है, तो इसने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बता सकता है. टू आंसर सम ऑफ दीज अबव क्वेश्चंस, अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स लेड बाय साइंटिस्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और उनके इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स ने ये कहा है कि हम मोस्ट मैसिव ग्लोबुलर क्लस्टर सिस्टम इन आर गैलेक्सी ओमेगा सेंटुरी को स्टडी करेंगे, और जो ये इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल रही है अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से, इसको इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे. इस पे भी आप ओके सर, इस न्यू पे आप भी ओके जी, ठीक है जी. देखो तो बिल्कुल ठेठ पंजाबी गाने चल रहे हैं अभी, ठीक है, वो हरियाणवी गानों से पंजाबी गानों में शिफ्ट कर चुके हैं. चलो वापिस आता हूँ. SpaceX फाइनल फ्लाइट ऑफ 2022 डिप्लॉयज इजरायली सैटेलाइट टू ऑर्बिट. सो SpaceX लॉन्च द फाइनल रॉकेट ऑफ 2022 इनटू स्पेस ऑन फ्राइडे, और जो कंपनी ने भेजा है फॉल्कन 9 रॉकेट विद एन इजरायली अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट, और ये एक अर्थ रिसोर्स ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि बनाया गया है इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के द्वारा, और इट इज ओन्ड बाय इमेज सेट इंटरनेशनल, ठीक है जी. अब ये जो नई सैटेलाइट है इसने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी इन ऑर्बिट दैट आर बिलीव टू बी कमर्शलाइज्ड इजरायली स्पेस सैटेलाइट. तो यहाँ पर जो इजरायल की स्पाई सैटेलाइट है उसको कमर्शलाइज, मतलब ये कहा जा रहा है कि उसने उसको कमर्शलाइज किया गया है, और ये सैटेलाइट का नाम है इरोज C3. इरोज, इरोज एक चैनल भी आई थिंक. C3 इज इक्विप्ड विद रिडंडेंट कैमरा सैटेलाइट कैपेबल ऑफ रिजॉल्विंग सरफेस, मतलब 1 फीट तक भी वो देख पाएगा. फाल्कन 9, सो दिस इज रॉकेट डेब्यू इन 2010. स्पेस एक्स हैज चार्ज 194 फाल्कन 9 रॉकेट्स, ओवरऑल पुटिंग टुगेदर अ स्ट्रिंग ऑफ 179 सक्सेसफुल फ्लाइट्स, और एलन मस्क ने इसके बारे में बधाई दी है जो कि फाउंडर हैं कंपनी के. कौन सा गाना है? हो. इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट टू कंजर्व इंडेंजर्ड माउंटेन गोट नीलगिरी टार. सो नीलगिरी टार जिसको लोकली कहा जाता है वरायदू क्रिटिकली इंडेंजर्ड माउंटेन गोट स्पीशीज है ये. आपको अगर आप नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जाओगे, ठीक है जी, यहाँ पर इराविकुलम नेशनल पार्क मिलता है आपको. इराविकुलम नेशनल पार्क, वहां पर आपको नीलगिरी टार मिलता है. नीलगिरी टार जो है वो तमिलनाडु सरकार का स्टेट, मतलब तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, और इसको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है. और 2015 का एक डाटा ये कहता है कि मात्र 3,122 नीलगिरी टार ही बचे हैं. सर ऐसी सेम ओके जी, ठीक है जी. चलो सो द प्रोजेक्ट नीलगिरी टार विच एम्स टू प्रोटेक्ट वॉट इज स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, और इसके लिए 25 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं लगभग 5 साल के, किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाए. सो इंडियाज फर्स्ट प्रोजेक्ट टू कंजर्व इंडेंजर्ड माउंटेन गोट नीलगिरी टार, ये वहां की एंडमिक स्पीशीज है. एंडमिक स्पीशीज मतलब ये वहीं पर पाई जाती है, और नीलगिरी से बहुत क्लियर नीलगिरी टार. तो ये देखिए, ये आपको ये स्पेसिफिकली ये जो दो सींग हैं ये आपको नीलगिरी टार में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी. सो मेजर हैबिटेट फॉर एनिमल विल बी टेकन एज प्रायोरिटी एक्टिविटी, और जो 7 अक्टूबर है उसको नीलगिरी टार डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है जी. सो नीलगिरी टार इज द ओनली कैप्टेन स्पीशीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल माउंटेन्स ऑफ सदर्न इंडिया. नेक्स्ट है कोरल क्रायो प्रिजर्वेशन, व्हाट इज इट एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट. तो कोरल क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें एक दो चीजें जो अभी नई आई हैं वो ऐड करना चाहता हूँ. सो इसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से कुछ स्मॉल पीसीज को कोरल के ग्रेट बैरियर रीफ से निकाला जाएगा, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में सेव किया जाएगा, और उसके बाद उसको जहां पर कोरल ब्लीचिंग हुई है
वहां पर ले जाकर जो है इसको प्लेस किया जाएगा कंडीशंस में, मतलब सर्टन कंडीशंस में, ताकि वहां पर कोरल्स की दोबारा से ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, ये टेक्निक है, इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग कोरल टिश्यूज, गैमीट्स, एग्स एंड स्पर्म्स एट वेरी लो टेम्परेचर यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। सो मकसद क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, कोरल स्पीशीज को बचाना, प्रोपोगेशन करना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना। बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन काफ़ी महंगा प्रोसेस है, ठीक है जी, और सारे कोरल ब्लीचिंग के प्रोसेसेस में नहीं हो सकता ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट कर लिया जाए वो ज़्यादा बेटर है। लिमिटेड सक्सेस है इसकी, ये अभी तक नई टेक्निक है और इसका कितना ये कामयाब होगी, किस लेवल पर कामयाब होगी अभी तक नहीं पता है। लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन मे नॉट हैव अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर मेनी कोरल रीफ्स, स्पेशली दोज दैट आर लोकेटेड इन रिमोट एंड हार्ड टू रीच एरियाज। और एथिकल कंसिडरेशन, देर आर ऑल्सो एथिकल कंसिडरेशन टू कंसिडर, क्योंकि वेन इट कम्स टू क्रायो प्रिजर्वेशन अबाउट द रोल ऑफ ह्यूमन इन कंजर्विंग एंड रिस्टोरिंग नेचुरल इकोसिस्टम एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज एंड इकोनॉमीज। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप जो है नेचर के बियॉन्ड नहीं जा सकते, आप कितना इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इट इज बेटर कि आप उसको प्रिवेंट करें। सर पहले वाले बच्चे हैं क्या? शिवू क्रिएटर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी, पहले वाले बच्चे हैं, ओके। यस, डिफेंस में बीआरओ कंस्ट्रक्ट्स रोड टू माजा बॉर्डर पोस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्कर्ड वन ऑफ द लास्ट फ्रंटियर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय कंस्ट्रक्टिंग। देखो भारत सरकार, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक ब्रो कैफेज हमने डिस्कस किया था, और इम्पॉर्टेंट है कि चाइना बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बहुत फास्ट पेस पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जो है एक रोड कंस्ट्रक्ट की गई है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन रिमोट अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट। सुबानसिरी आपकी एक ट्रिब्यूटरी भी है, सुबानसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। सो ऑफिशियल सेड डेवलपमेंट केम अमिडस्ट टेंशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट आफ्टर इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज क्लैश्ड एट यांगसे नियर तवांग। ये हमने अभी देखा दिसंबर 9 को। द रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड अप टू माजा अ बॉर्डर पोस्ट अलॉन्ग द LAC इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, तो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट अरुणंक। ठीक है, तो अरुण अरुणाचल से याद रख लेना, ठीक है जी, अरुणंक। ठीक है, तो ये आपका इसका ऑपरेशन वर्तक चला रहे हैं ब्रो नॉर्थ ईस्ट में एंड बीआरओ नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन हिमांक। यस बिल्कुल ठीक, तो ये प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है अरुणंक। ठीक है, अरुण प्लस अंक, अरुणाचल प्रदेश में ये आपका, सो हिमांक प्रोजेक्ट की तरह ही है ये। यस, सो वर्किंग रिलेंटलेसली विद सिंगल माइंडेड डिवोशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स अचीव्ड कनेक्टिंग माजा। तो ये जो ये माजा वो वाला माजा नहीं है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग अदर बॉर्डर्स। ये आपका कहां पर है? बीआरओ कर्म योगीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए म्यूजिक आ रहा है, चलिए। हीरो ऑफ द डे, लेजेंडरी सोल्जर माउंटेनियर एंड सेवियर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, PBSM कीर्ति चक्र, ABSM रिटायर्ड, बहुत फेमस, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। 1984 में सियाचिन में एक ऑपरेशन हुआ था, कौन सा ऑपरेशन हुआ था कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, और उसकी कह लीजिए प्लानिंग कह लीजिए, उसका श्रेय जो है कर्नल नरेंद्र कुमार को जाता है। और सियाचिन पे आज अगर भारत का कब्जा है तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। सो इंडियन ब्रेव स्पेंट हिज लाइफ इन द हिमालयस टेमिंग पीक्स एंड इंश्योरिंग सियाचिन ग्लेशियर रिमेन्स विद इंडिया। आजकल इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जा रही क्लास? आजकल ज्यादा न्यूज नहीं है, ठीक है, जितनी न्यूज थी हमने कवर करी है। ठीक है जी, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है जी, ऑपरेशन मेघदूत, ओके। तो यहाँ पर आपका क्विज टाइम शुरू होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय श्री अमित शाह इन न्यू दिल्ली, विच इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस। हाँ जी, उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो एक वैसे बात बता दूं कि हमारा जो
फोकस है वो थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड है ना। तो हम नॉर्मल पूरा 24 घंटे मीडिया चैनल की तरह वो जो एक ही न्यूज़ को पकड़ के उस पर ही पूरी की पूरी डिस्कशन होता है, ठीक है, दैट इज देयर वर्क, बट वी कैन नॉट डू ऑल द थिंग रिलेटेड टू दैट थिंग ओनली। बीआरओ का वर्क बता दीजिए सर एक बार प्लीज। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना इनका काम है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से, स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से ये बीआरओ का काम है। ओके, यस, सो आंसर है आपका प्रहरी ऐप, सॉरी। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एमओयू ऑन डिफेंस एंड मिलिट्री कॉपरेशन बाय सेलिब्रेटिंग 60 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस? कंबोडिया, साइप्रस, फिजी, फ्रांस। मतलब अभी रिसेंटली कल ही हमने जो न्यूज में पढ़ा, वाई कैन कांट, मतलब मैं बाहर की नॉइज को, ये दुनिया पित्तल दी। चलो ठीक है, आंसर इज साइप्रस। विच सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस एट 10th ग्लोबल सेफ्टी? आज क्लास कम ऐसा लग रहा है, एंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया है। ठीक है, एनीवेज मोटिव ये है। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा आपको, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छी बात है, फोकस पढ़ाई पे फोकस। मतलब साउंड प्रूफिंग का कुछ फायदा हो रहा है। ठीक है जी, आंसर इज योर एसीसी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर वुमेन्स 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? सही सही, मेरे को लगा इतनी आवाज आ रही है तो आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। चलो ठीक है जी, स्मृति स्मृति मंधाना, ठीक है। चलिए तो ये था आज का सेशन, 10:15 पर आपका सेशन जो है लाइव हो जाएगा, ठीक है जी। कोई न्यू ईयर, कोई छुट्टी, दिवाली, होली, ईद, छठ पूजा, दुर्गा पूजा नहीं है, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। खूब पार्टियां होंगी अफसर मेस में, सब एंजॉय करने का मौका मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी के लिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। चलिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटी के बैच आपके ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी का लाइव चल रहा है, इकोनॉमी और हिस्ट्री अभी नेक्स्ट मंथ आपका शुरू हो जाएगा जनवरी में। एंड ये ऐप को डाउनलोड कीजिए और प्लीज रिव्यू ऑल्सो, प्लीज गो एंड रिव्यू द ऐप। जो भी आपको कुछ सजेशंस हैं प्लीज गिव फेयरली, जो आपके सजेशंस हैं इट इज वेलकम, ऑल द सजेशंस आर वेलकम। ये आपका टेलीग्राम चैनल है जी एस बाई संदीप बंसल, फेसबुक, इंस्टा, जीमेल पर जो है आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने फोन नंबर भी शेयर किया हुआ है, सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लीजिए। चलिए, ये कौन है,
जो जो ग्रुप में नहीं है उनको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अफसर मैस की प्लेट मूंगफली खाने के, ओके चलिए बात सही। नया साल मुबारक हो, थैंक यू अभिराज। यस देखो अब डिपेंड करता है कि अगला साल कहाँ हो या अगले साल से पहले, ये इस साल में बहुत बच्चों को या लगभग सब बच्चों को जो है अच्छी खबर मिले, ठीक है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब पर कितना कुछ मसाला है उसको छोड़ के आप मेरे साथ रेंडियर और क्या क्या पढ़ रहे हैं, कोरल क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ रहे हैं, इसका फलसफा या कह लीजिए इसका नतीजा जो निकले आपके रिजल्ट के रूप में, ठीक है, यही मेरी कामना है आपके लिए और यही दुआ है। और खुश रहिए, हंसते रहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों से ऊपर है। एग्ज़ाम का क्लियर होना या ना होना, डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, बट वो क्राइटेरिया नहीं है, अल्टीमेट इज द हैप्पीनेस। एंड आई विश यू ऑल अ ग्रेट हैप्पी ईयर अहेड, अ ग्रेट प्रॉस्परस ईयर एंड ग्रेट फुलफिलिंग ईयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। नवरात्रि सर आज ही सारे फेस्टिवल हैं आपके, ओके चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया सबको, कंट्रोल कंट्रोल, थैंक यू। 10:15 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, ठीक है जी, चलो ठीक है जी, यस हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाते रहिए।